आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत अहम दिन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता रहे अटल बिहारी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने लिखा कि आज 140 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हर भारतीय उनके किस्से कविताएँ बयां कर रहा है। इन्हीं में से एक यादगार किस्सा है चीन का। जब वो चीन के दौरे पर गए थे तो क्या हुआ था, आइए जानते हैं ये कौन सा किस्सा है। ये बात है 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन के रिश्ते जब खराब हो गए थे। करीब 20 साल तक कोई बड़ा सरकारी दौरा नहीं हुआ। फरवरी 1979 में अटल चीन के दौरे पर जा रहे थे। एयरपोर्ट पर उनके चाहने वाले फूल माला लेकर पहुंचे। यहीं पर एक महिला पोस्टर लेकर खड़ी थी जिस पर लिखा था कि 1962 को भूल ना जाना, तो वहीं एक बैनर पर लिखा था कब्जे वाले इलाके को वापस लेना है। जाहिर है कि चीन ने 1962 में भारत की सीमा में घुसकर 14,000 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया। ज्यादातर यह इलाका पूर्वोत्तर कश्मीर का हिमालय क्षेत्र है। ये क्षेत्र अभी भी चीन के कब्जे में है। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। रूस की तरफ झुकाव रखने वाले नेता अटल के इस दौरे की जरूरत पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन वह बीजिंग गए। अटल ने चीन के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। वापस आकर उन्होंने संसद को अपने दौरे की जानकारी दी। अटल ने कहा था कि ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि दोनों सरकारें सीमा के महत्वपूर्ण मुद्दे का संभावित समाधान करने की दिशा में सहमत हैं। 8 पेज के अपने बयान में वाजपेयी ने कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करना है तो अनसुलझे सीमा विवाद का ऐसा समाधान जरूरी है जिसमें दोनों संतोष हो सकें। वाजपेयी के दौरे को भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने वाले कदम के तौर पर देखा गया। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। चीन ने एक बार फिर अड़ंगा अड़ा दिया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध को सुलझाने के लिए 17 घंटे की बैठक चली, लेकिन वो बेनतीजा रही। सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत 2 दिनों तक चली, लेकिन चीन पीछे हटने से लगातार इनकार करता रहा। जाहिर है कि 2018 में आज ही के दिन दिल्ली एम्स में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वाजपेयी को 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वह 3 बार दशक के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में मात्र 13 दिनों का था और इसके बाद वह 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 13 महीने तक इस पद को संभाला और 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।